वालेकुम। आज की मेरी रेसिपी है बीफ पाए। तो ये मैंने लिया है एक पाया, जिसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। आप देख सकते हैं, आपको ले लेना है और इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल धो लेना है। इसको पहले हम सबसे पहले उबालेंगे। मैंने इसमें तकरीबन अपने ये दो जग पानी ले लिया है और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी अपने पाए को, क्योंकि हमें ये बॉयल करने हैं अच्छी तरह। तो हम ज़्यादा सा पानी लेके इसे बॉईल करेंगे। मैं इसमें तमाम अपने पूरे ये शामिल कर दूंगी। मैंने इसमें अपने सारे पाए, मतलब पाए पूरा ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून अपना अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करूंगी और अब मैं इसको धीमी आंच पे पकने के लिए, मीन्स उबलने के लिए रख दूंगी। चलें जी, अब देखते हैं कि हमारे पाए कहाँ तक गले हैं। तो इसको 8 से 10 घंटे के लिए गलने के लिए मैंने स्लो आंच पे रख दिया था, तो ये 8 से 10 घंटे तक पकते रहे बिल्कुल स्लो आंच पे। अब ये गल चुके हैं, अब हम इसका तैयार करते हैं मसाला। पायों के मसाले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है 4 मीडियम प्याज़ें, 4 मीडियम है, और मैंने उसकी ऐसी स्लाइस कटिंग कर ली है क्योंकि मुझे इसका बघार करना है। और मैंने ली है यहाँ पे 1/2 किलो दही, 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून लिए हैं पिसे हुए धनिया, 1/2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लिया है हल्दी का, 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ली है पिसी हुई लाल मिर्चें, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से मतलब डाल सकते हैं। और इसके अंदर मैंने ली हैं 3 छोटी इलायचियाँ, 2 मैंने ली हैं इसमें बड़ी इलायचियाँ, कुछ अदद मैंने इसमें ली हैं लौंगे, और कुछ अदद मैंने इसमें ली हैं काली मिर्चें। चलें अब बनाते हैं। मैंने इसमें ऐड करा है अपना ऑयल। अब मैं अपनी फ्लेम ऑन करूंगी और मैं इसके अंदर ऐड करूंगी अपनी, मैंने जो प्याज काट के रखी थी, और अब मैं इस प्याज का भगार करूंगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन तक नहीं हो जाए। गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, गोल्डन कलर की हो जाएगी, फिर मैं इसको निकाल लूंगी। चलें फिर इसका फ्राई करते हैं। हमारी प्याज हो चुकी है गोल्डन ब्राउन, अब हम इसको निकाल लेंगे। तेल बिल्कुल इसका हटा के इसको निथार के निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसका तेल हटा दिया है और इसको निकाल के थोड़ा फैला देंगे ताकि ये ड्राई हो जाए और करारी सी हो जाए। अब मैं अपने इस तेल में शामिल करूंगी अपना अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा पानी और अपने तमाम मसाले जो मैंने निकाल के रखे हुए थे वो सब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और इसको तकरीबन मुझे 5 से 10 मिनट तक पकाना है। मैंने अपने मसाले को तकरीबन 8 से 10 मिनट हल्की आंच पे पका लिया है, और अब आप इसकी शक्ल ये देख सकते हैं मसाले की, अच्छी तरीके से ये पक चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी अपनी, मतलब इसमें ऐड करूंगी अपनी ये दही 1/2 किलो, जो कि मैंने निकाल के रखी हुई है। इस दही को मुझे डाल के तकरीबन इसको तब तक पकाना है जब तक दही अपना पानी खुश ना कर ले, मतलब ये पानी दही का खुश हो जाए सब, तब तक मुझे अब दही डाल के तकरीबन इसमें भी 5 से 10 मिनट तक पकाना है। हमने यहाँ पे दही का पानी खुश करने के लिए रखा था, आप देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि दही का पानी खुश हो गया है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है कि आपको दही डालने के बाद फ़ौरन ज़्यादा सा चमचा चलाना है, अगर नहीं चलाएंगे तो आपका मसाला फटाफटा सा बनेगा, और अगर आप चला देंगे तो आपका मसाला स्मूथ बनेगा। अब हम इसके अंदर शामिल करते हैं अपना भगार। भगार का मैंने इस तरीके से, आप देख लें, हाथ से चूरा कर लिया था, चाहे तो आप इसमें ग्राइंडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको शामिल कर दूँगी अपने मसाले में। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिला लूँगी और इसको 5 मिनट तक पकाऊंगी। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, मैंने अपना मसाला अच्छी तरीके से भून लिया है। अब मैं इसको शामिल कर दूंगी अपने पाए में। मैंने यहाँ पे लिए थे बड़े के पाए, जो कि बहुत ही लजीज बनते हैं। वैसे तो बीफ में, मटन में भी बनाते हैं आप, लेकिन बड़े का पाया सबसे ज़्यादा लजीज बनता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वो लिया था। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिला दूंगी। अब हम इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक दम पे रखेंगे हल्की आंच पे, ताकि इसका जो मसाला है वो इसके पायों में रच बच जाए। चलो जी, फिर हम रखते हैं स्लो फ्लेम।
चले जी 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और आप शक्ल देख सकते हैं हमारे पाई की, रोगन आ चुका है बहुत अच्छा। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना गरम मसाला। गरम मसाले से इसमें थोड़ा और अच्छा जायका आ जाता है, तो तकरीबन 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूंगी और इसमें मैं अपना हरा मसाला ऐड करूंगी। हरे मसाले में मेरे पास है इसमें अदरक जो मैं इसमें डालूंगी, हरी मिर्चें और धनिया। अब मैं इसको मिक्स करके डिश आउट कर लूंगी। हमारे पाए हो चुके हैं तैयार और आप इसकी शक्ल देखें, कितनी ज़बरदस्त सी शक्ल आई है। बहुत ही मतलब टेस्ट में भी बहुत मज़े के होंगे, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।